हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन एग्जाम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ एसएससी एमटीएस के ऑल शिफ्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले हम 12 शिफ्ट के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा हो दोस्तों, वो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकता है। और दोस्तों, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को डिस्कशन में भी आपको उसकी प्लेलिस्ट दे रखी है, प्रीवियस ईयर ऑल शिफ्ट की जितने भी अभी हमने कर ली हैं, तो दोस्तों वहाँ से जाकर आप देख सकते हो। दोस्तों, पहले बहुत सारे पिछले वीडियो आप जरूर देख लेना जिन्होंने भी नहीं देखा हो, क्योंकि वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके प्रीवियस ईयर के जितने भी ऑल शिफ्ट क्वेश्चन हुए सभी डिस्कस कर रहे हैं हम। एक सीरीज शुरू करी थी दोस्तों, तो 12 शिफ्ट कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में 13 शिफ्ट करने वाले हैं दोस्तों। इसमें 453 पन्ने हैं। और जो भी कैंडिडेट इस पीडीएफ को खरीदना चाहते हैं दोस्तों, उसका लिंक आपको नीचे दिया गया है इंस्टामोजो पर। नीचे इंस्टामोजो नाम से एक लिंक है, उस पर क्लिक कर देना दोस्तों, आप पीडीएफ खरीद सकते हो। ये 10 रुपये में पीडीएफ उपलब्ध है अगर आप खरीदना चाहते हो। इसमें ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं दोस्तों। इसमें 82 शिफ्ट है, 82x25 क्वेश्चन आते हैं हर शिफ्ट में। तो दोस्तों, 82x25 2050 से भी ज़्यादा क्वेश्चन इस पीडीएफ में दिए हुए हैं आपको। दोस्तों, अगर आप खरीदना चाहते हो तो खरीद लेना दोस्तों। इसे मैं आपको पूरी पीडीएफ पढ़ा रहा हूँ। जिसको जल्दी है, थोड़ा जल्दी करना चाहते हैं वो कोर्स को कवर, तो दोस्तों पीडीएफ खरीद सकता है। तो दोस्तों, चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको पीडीएफ खरीदने में कोई प्रॉब्लम हो तो मैं नंबर बता देना पहले, 7976341383। दोस्तों, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो हमसे। कोई भी पीडीएफ खरीदने से संबंधित कोई भी क्वेरी हो आपसे तो हमें पूछ सकते हो। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर दिया और जीमेल आईडी भी दे रखी है। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जीवन का स्तर निर्भर करता है। जीवन का स्तर किस किस पर निर्भर करता है आपको बताना है। प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पाद, साक्षरता दर, स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, प्रति व्यक्ति आय। जीवन का स्तर किस पर निर्भर करता है? प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय के आधार पर ही जीवन का स्तर नापा जाता है कि किस व्यक्ति की इनकम के आधार पर ही मापा जाता है कि उस व्यक्ति का स्टैंडर्ड कितना है। वह व्यक्ति किस मध्यम वर्ग का है, अमीर वर्ग का या पुअर वर्ग का है, मतलब गरीब वर्ग का है, किस स्तर पर निर्धारित किया जाता है वो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इच्छाओं का द्योरा सहयोग। ब्लैक मैप कौन सा बनना है कि एक अनिवार्य विशेषता है। तो इसका आंसर दोस्तों, इच्छाओं का द्योरा सहयोग है वो वस्तु विनिमय प्रणाली की एक अनिवार्य विशेषता है। तो इसका आंसर दोस्तों, थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है, वस्तु विनिमय प्रणाली की एक अनिवार्य विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मौलिक अधिकार के तहत कानूनों के नजर में सभी लोग समान है। तो इसका आंसर दोस्तों, समानता के अधिकार। जो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार दे रखे हैं उसमें जो समानता का अधिकार है, उस अधिकार के तहत कानून के नजर में सभी लोग क्या है, समान है। तो इसका आंसर दोस्तों, समानता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेहतर निर्णय लेने की संभावना को बढ़ाता है। तो दोस्तों, कौन सा इसमें तंत्र है, लोकतंत्र, राजतंत्र, कुलीन तंत्र या एक तंत्र, इसमें से कौन सा तंत्र है जो बेहतर निर्णय लेने की संभावना को बढ़ाता है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा लोकतंत्र। जो लोकतंत्र होता है, डेमोक्रेसी, उसके द्वारा निर्णय लेने की संभावना क्या होती है, बढ़ती है। इसका आंसर दोस्तों, लोकतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठी अखबार केसरी के संपादक कौन थे। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। जो केसरी अखबार निकाला गया था, ये मराठी कौन सी भाषा में लिखा गया था दोस्तों, मराठी, मराठी भाषा में ये अखबार निकाला गया था। और इसके संपादक कौन थे, तो दोस्तों इसका आंसर दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा हिस्सा मुख्य रूप से पल्लव तथा चालुक्य द्वारा शासित था। तो इसका आंसर दोस्तों, दक्षिणी हिस्सा। जो भारत का दक्षिणी हिस्सा है, दक्षिणी हिस्सा है कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, ये जो दक्षिणी हिस्से भारत के, वहाँ पर पल्लव तथा चालुक्य शासन करते थे। इसका आंसर दोस्तों, दक्षिणी हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के व्यास का कितना भाग चंद्रमा के व्यास के बराबर है। तो दोस्तों, इसका जगह 1/4, 1/4। तो इसका दोस्तों, 1/4 हिस्सा बराबर है। पृथ्वी का जो व्यास है वो चंद्रमा के व्यास का कितना है, 1/4। तो मतलब चंद्रमा के व्यास से कितना गुना बढ़ हो गया, 4 गुना बढ़ हो गया पृथ्वी का व्यास। और आपसे द्रव्यमान पूछा जाए, पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना द्रव्यमान है चंद्रमा का, तो वो है दोस्तों, 1/6 भाग। पृथ्वी का जहाँ 6 है तो चंद्रमा का 1/6 भाग ही है, मतलब 6 गुना कम है। आगे चलते हैं, अपरदन की क्रिया के द्वारा निचली सतह का निर्माण। ब्लैक में आपको आंसर बनना है कि प्रक्रिया द्वारा पुनः हो सकता है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। जो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अपरदन की प्रक्रिया के द्वारा निचली सतह का निर्माण न तो वाष्पीकरण के द्वारा होता है, न अवसादन के द्वारा होता है, न ही वनों की कटाई की प्रक्रिया द्वारा पुनः हो सकता है। तो इसका आंसर इसमें नन ऑफ दी जाएगा, इनमें से कोई भी प्रक्रिया सही नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेस्ट्रॉल का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका जो रहेगा वसा से। कोलेस्ट्रॉल किससे बनता है दोस्तों? ये वसा से बनता है जिसको फैट्स के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पृष्ठधार पत्ता में वाष्पोजन की दर क्या कहलाती है, या मतलब क्या होती है? तो दोस्तों इसका होगा निचली सतह पर सबसे अधिक होती है। एक पृष्ठधार पत्ता में जो पत्ते होते हैं उसमें वाष्पोजन की दर होती है, ट्रांसपिशन की दर होती है, वो निचली सतह में सबसे कम होती है, निचली सतह पर सबसे अधिक होती है। तो इसका जो दोस्तों ऑप्शन टू राइट आंसर हो जाएगा, निचली सतह पर सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉड लीवर ऑयल किसका स्रोत है? जो कॉड लीवर ऑयल होता है, जो मछली के जो लीवर होता है उससे निकाला जाता है, उसको कॉड लीवर ऑयल बोला जाता है। और किसका प्रमुख स्रोत होता है? तो दोस्तों ये होता है विटामिन ए का प्रमुख स्रोत होता है। किसको होता है? विटामिन ए का प्रमुख स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाल का मूल मात्रक क्या होता है? तो आपको स्पीड की यूनिट बतानी है। तो दोस्तों इसका आंसर मीटर पर सेकेंड। क्या होती है? मीटर पर सेकेंड होता है। आप जानते हैं चाल का फॉर्मूला क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। दूरी बट्टा समय होता है। दूरी को किस में मापा जाता है? मीटर में। और समय को किस में मापा जाता है? सेकेंड में। तो हो गया दोस्तों मीटर अपॉन सेकेंड, हो गया मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बल्ब के अंदर का तंतु टूट जाता है तब क्या होता है? तो बल्ब क्या हो जाता है दोस्तों? फ्यूज हो जाता है। बल्ब क्या हो जाता है? फ्यूज हो जाता है जब बल्ब का तंतु टूट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दोस्तों स्पेम में ईमेल से संबंधित, ईमेल से संबंधित है स्पेम। वर्ड किस में शामिल किया जाता है? वो क्या जाता है? ईमेल के अंदर। आपने देखा होगा ईमेल के अंदर एक बॉक्स होता है स्पेम बॉक्स, उसके अंदर जो भी अलग जो मैसेज काम की नहीं होती मैसेज उसमें आते हैं दोस्तों स्पेम में आते हो, जिसका अंदर दोस्तों स्पेम। टिन का प्रतीक क्या आपको बताना है? टिन, इसको कौन से प्रतीक के द्वारा इसको चिन्हित किया जाता है? दोस्तों किया जाता है एसएन के द्वारा। यहाँ पे गलत लग रहा है दोस्तों, हाँ टिन का पूछा दोस्तों एसएन हो जाएगा, एसएन हो जाएगा टिन का। टिन का प्रतीक क्या होता है? आपने पीरियोडिक टेबल देखी होगी तो उसमें टिन को किस प्रतीक से, किस सिंबल से आपको डिफाइन किया जाता है? तो दोस्तों किया जाता है एसएन से। और इसका आपसे परमाणु क्रमांक पूछा जाए, परमाणु क्रमांक क्या होता है टिन का? तो दोस्तों होता है 50, ये तो होता है 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अवधि में तत्व कक्षों की संख्या के समान होते हैं। आपको ऑप्शन में बताना है कि एक अवधि में जो तत्व होते हैं किसके समान होते हैं? तो दोस्तों होते हैं कक्षों की संख्या के समान होते हैं, नंबर्स ऑफ सेल के समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकारित अथवा प्रथम उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला के कौन से पोषक स्तर पर स्थित होते हैं? तो दोस्तों ये होते हैं द्वितीय स्तर पर स्थित होते हैं। जो शाकाहारी व्यक्ति होते हैं, जो शाकाहारी जानवर होते हैं, सिर्फ वो मांस मांस नहीं खाते, वो शाकाहारी भोजन करते हैं, पेड़ पौधे की पत्तियां खाते हैं, भोजन करते हैं, तथा प्रथम उपभोक्ता बोला जाता है उनको। वो खाद्य श्रृंखला के कौन से पोषक स्तर पर स्थित होते हैं? दोस्तों होते हैं द्वितीय स्तर पर। द्वितीय स्तर पर स्थित होते हैं दोस्तों, पहले स्तर पर तो कौन सा होता है? जो उत्पादक, पहले स्तर पर होता है उत्पादक, जो भोजन का निर्माण करता है, जैसे पेड़ पौधे शैवाल होते हैं, ये क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं, प्रथम स्तर होते हैं। और इनका पूछा जाए कौन से स्तर पर स्थित होते हैं? दोस्तों तो होते हैं प्रथम उपभोक्ता बोला जाता है इनको, प्रथम स्तर पर स्थित होते हैं। और जो शाकाहारी तथा प्रथम उपभोक्ता होते हैं वो कौन से स्तर पर होते हैं? वो द्वितीय पर होते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे शैवाल के द्वारा भोजन का निर्माण किया जाता है, और जो भोजन का निर्माण किया जाता है वो शाकाहारी व्यक्तियों के द्वारा या प्रथम उपभोक्ताओं के द्वारा उनको खाया जाता है। और जैसे चूहे, जैसे बकरी, गाय, भैंस, ये सभी शाकाहारी होते हैं दोस्तों। और जब इनको हिरण, ये सभी शाकाहारी होते हैं, जब हिरण बकरी को जब कोई दूसरा जानवर खाता है तो क्या हो जाता है? वो द्वितीय उपभोक्ता हो जाता है। और जब उन जानवरों को कोई खा जाता है तो हो जाता है तृतीय उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन डिजिटल इंडिया में सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ये सारे ऑप्शन ही सही है। डिजिटल इंडिया में सारे सम्मिलित है, मतलब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, सेवाओं को डिजिटल रूप में वितरित करना, डिजिटल साक्षरता। इसमें पूछा गया डिजिटल इंडिया में कौन सा शामिल नहीं है? तो दोस्तों तीनों ही ऑप्शन शामिल है, तो इसमें से इनमें से कोई नहीं आएगा, क्योंकि तीनों ही ऑप्शन है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो डिजिटल इंडिया चलाया गया था, किस लिए चलाया गया था? वो चलाया गया था डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, सेवाओं को डिजिटल रूप में वितरित करना, जितनी भी सेवाएं दी जाती है वो सभी को डिजिटल करना, डिजिटल साक्षरता मतलब जो डिजिटल लिटरेसी को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेल का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लुईस ब्रेल के द्वारा ब्रेल का आविष्कार किया गया था। अब मैं बता देता हूँ ब्रेल क्या होता है दोस्तों। ब्रेल एक ऐसी लिपि होती है अक्षरों की, जिसके अंदर जो ब्लाइंड व्यक्ति होता है, जिस व्यक्ति को, जो व्यक्ति देख नहीं सकता आंखों से, उनके लिए हाथ से जो स्पर्श करके उससे अक्षर को पढ़ सकता है, एक ब्रेल लिपि होती है। इसका उसका लुईस ब्रेल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबड्डी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सेवन। कबड्डी की एक टीम में सेवन खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त चित्रों का सर्वश्रेष्ठ नमूना किस जगह पर है? ऑप्शन ए नरसिंहगढ़, दूसरा एलोरा, ऑप्शन थर्ड अजंता, ऑप्शन फोर्थ भीमबेटका। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अजंता।
जो गुप्त चित्रों का सर्वश्रेष्ठ नमूना माना जाता है वो अजंता गुफा में माना जाता है। तो आपको बता दूँ अजंता और एलोरा गुफा कहाँ पर स्थित है, दोस्तों ये स्थित है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकन प्लानिंग एसोसिएशन द्वारा स्थापित पियरे एलिफेंट इंटरनेशनल प्लानिंग एक्सलेंस अवार्ड 2017 को जीतने वाला कौन सा शहर भारत का पहला शहर बना है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। वापस एक बार दिखा देता हूँ क्वेश्चन को पूरा। अमेरिकन प्लानिंग एसोसिएशन द्वारा स्थापित पियरे एल एफेट इंटरनेशनल प्लानिंग एक्सलेंस अवार्ड 2017 को जीतने वाला कौन सा शहर भारत का पहला शहर बना है, तो दोस्तों बना है भुवनेश्वर। अब भुवनेश्वर की बात करते तो इससे इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन आता है कि भुवनेश्वर किसकी राजधानी है, तो दोस्तों भुवनेश्वर है ओडिशा की राजधानी। किसकी है? ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। अब बात करें ओडिशा के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो नवीन पटनायक ओडिशा के चीफ मिनिस्टर है, तो ये आपको याद करना है। और ये भी याद करना है दोस्तों, अभी हाल ही में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ बता देता हूँ, ओडिशा में हाल ही में विश्व हॉकी कप भी आयोजित किया गया था। विश्व हॉकी कप का आयोजित किया गया था ओडिशा में, ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था अभी हाल ही में, जिसमें बेल्जियम टीम ने नीदरलैंड को हराकर जीत दर्ज की थी। कौन सी टीम जीती थी इस साल विश्व कप में? बेल्जियम। यहाँ से पूछा जा सकता है कि कौन सी टीम जीती थी? बेल्जियम। और किसको हराया था? नीदरलैंड को हराया था। और आपसे पूछा जाए विजेता टीम कौन सी थी? बेल्जियम। और उप विजेता टीम पूछा जाए तो जाएगा नीदरलैंड। ये बता दी मैंने आपको। और कहाँ पे हुआ था दोस्तों? ये भुवनेश्वर में होता है। अगर आपसे पूछा जाए हाल ही में विश्व हॉकी कप कहाँ आयोजित किया गया था, वो किया गया था भुवनेश्वर में। और आपसे कंट्री दे रखा तो भारत कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंजर नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अमृता प्रीतम। जो पिंजर पुस्तक लिखी गई थी दोस्तों, वो अमृता प्रीतम के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 समूह में कितने सदस्य हैं, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 20 सदस्य हैं। जो G20 समूह है उसमें कितने देश सदस्य हैं, वो है 20 देश सदस्य हैं। लास्ट क्वेश्चन इस शिफ्ट का, भारत तथा श्रीलंका द्वारा स्थापित मछुआरों पर संयुक्त कार्य समूह के संदर्भ की शर्तों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। जो भारत श्रीलंका के द्वारा स्थापित मछुआरों पर एक कार्य समूह स्थापित किया गया है उसमें शर्तें रखी गई, कौन सी शर्तें इसमें शामिल नहीं है आपको बताना है। जल्द से जल्द निचली सतहों पर मछली पकड़ने के चलन, अभी बोल देता हूँ, जल्द से जल्द निचली सतहों पर मछली पकड़ने का चलन। दूसरा है गिरफ्तार मछुआरों को लौटाना। तीसरा है संयुक्त गश्त। और चौथा लाभ साझेदारी। तो दोस्तों इसका आंसर है चौथा ऑप्शन है लाभ साझेदारी, इसमें शामिल नहीं है। जबकि जो शर्त रखी गई थी भारत और श्रीलंका के द्वारा वो रखी गई थी कि जल्द से जल्द निचली सतहों पर मछली पकड़ने का कार्य करना है, दूसरा गिरफ्तार मछुआरों को लौटाना है। जो भी देश के द्वारा श्रीलंका के मछुआरों का अगर भारत के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और भारतीय मछुआरों को श्रीलंका के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उनको वापस से लौटाना, उनको वापस रिहा करना। और तीसरा संयुक्त गश्त। संयुक्त गश्त का मतलब पेट्रोलिंग करना, मतलब उनकी निगरानी करना, जो भी वहाँ पर मछुआरों पर निगरानी करना, ये इनका इस नियम में शामिल था। जो शर्तें रखी गई तीन में शामिल था लेकिन लाभ साझेदारी इसमें शामिल नहीं की गई। तो दोस्तों 13वीं शिफ्ट हमने कंप्लीट कर लिए, अब 14वीं शिफ्ट की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों 14वीं शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, अटल पेंशन योजना कौन से श्रमिकों पर केंद्रीकृत योजना है, तो इसका आंसर दोस्तों असंगठित क्षेत्र अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जो अटल पेंशन योजना चलाई गई थी भारतीय सरकार के द्वारा वो कौन से श्रमिकों पर केंद्रित योजना है, मतलब कौन से श्रमिकों के लिए चलाई गई थी, वो चलाई गई दोस्तों असंगठित क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं श्रमिक है उनके लिए योजना चलाई गई थी। जैसे मजदूर वर्ग हो गया, कारखानों में जो काम करते हैं जिनमें कोई भी संगठित नहीं होता, उन सेक्टरों के लिए योजना चलाई गई थी, जिसका नाम दोस्तों असंगठित क्षेत्र अनऑर्गेनाइज सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी रेखा भारत का प्रमाणित समय तय करती है, तो दोस्तों इसका जो 82.5 डिग्री पूर्व, क्या हो जाएगा इसका आंसर 82.5 डिग्री पूर्व। तो भारत में जो देशांतर रेखा होती है वो कौन से राज्य से निकलती है, भी पूछा जाता है एग्जाम में। ये निकलती है उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के निकट से निकलती है दोस्तों ये रेखा 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर, जो भारत के समय को प्रमाणित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICICI का असंक्षिप्त रूप क्या है, असंक्षिप्त का मतलब होता है दोस्तों फुल फॉर्म, तो ICICI का फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों आपको बताना है। आप जानते हो कि ICICI एक बैंक है, निजी संस्था का बैंक है, निजी बैंक है, जिसकी फुल फॉर्म पूछा जा रहा है आपसे, जिसकी फुल फॉर्म हो जाएगी दोस्तों इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ICICI की फुल फॉर्म हो जाएगी। अब बात करें ICICI का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? मुंबई में। और आपसे इसका पूछा जाए इसके CEO कौन है, तो दोस्तों इसके CEO है संदीप बख्शी। कौन है? संदीप बख्शी। मैं पे लिख के बता देता हूँ एक बार, जो ICICI के बैंक के CEO कौन है? संदीप
संदीप बख्शी है जो आईसीआई बैंक के सीईओ है। इससे पहले चंदा कोचर आईसीआई बैंक के सीईओ थे लेकिन वर्तमान में कौन है? संदीप बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म पानी अभियान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर जगह कार्बी आंगलोंग असम में। गर्म पानी अभियान कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। तो आपको याद करना है असम में, असम के अंदर है कार्बी आंगलोंग में, कार्बी आंगलोंग में ये स्थित है। तो आपको बहुत ही बड़े क्वेश्चन है, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि गर्म पानी अभियान कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है असम में। दोस्तों इससे पहले ये SSCGL CHSL में और कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको जरूर याद करके जाना है। आने वाले शिफ्ट में पूछा जाएगा, रेलवे में पूछा गया था पिछली बार। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल महाबोधि विहार किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा बिहार में स्थित है। आप जानते हो कि महाबोधि विहार कहाँ स्थित है? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संगठन ने वर्ष 2017 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा विकास हेतु सतत पर्यटन, विकास हेतु सतत पर्यटन को घोषित किया है। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संगठन UNA ने 2017 को कौन सा दिवस मनाया था, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया है उस वर्ष को 2017 को, वह क्या है? सतत विकास पर्यटन, विकास हेतु सतत पर्यटन ये घोषित किया है। दोस्तों हर साल UN के द्वारा हर साल हर वर्ष को कुछ ना कुछ वर्ष के रूप में घोषित किया जाता है। तो 2017 में किया गया था विकास हेतु सतत पर्यटन और 2023 में किया जाएगा बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया गया। ये भी आपको याद करना है 2023 में किस वर्ष को घोषित किया है? बाजरा वर्ष के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी जल, तो आपको बताना है भारी जल को फॉर्मूला क्या होता है केमिकल? तो इसका आंसर है दोस्तों ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी जल को क्या बोला जाता है? दोस्तों ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोला जाता है, जिसका आप फॉर्मूला भी होता है D2O इसका फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हास्य गैस क्या होती है दोस्तों? तो हास्य गैस होती है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या होती है दोस्तों? नाइट्रस ऑक्साइड हास्य गैस होती है। नाइट्रस गैस हास्य गैस कहती है नाइट्रस ऑक्साइड, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका विमीय सूत्र आवेग के सूत्र के समान है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा संवेग। मोमेंटम का जो विमीय सूत्र होता है वो आवेग के सूत्र के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक धातु की अंगूठी या छल्ली को गर्म किया जाता है तो उसके छिद्र का क्या होता है? तो दोस्तों इसका आंसर फैलता है। जब किसी भी धातु की अंगूठी या छल्ली को गर्म किया जाता है तो उसका छिद्र क्या होता है दोस्तों? बढ़ जाता है, फैल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? जिसका आंसर दोस्तों पोमोलॉजी कहलाता है। जो फलों का अध्ययन किया जाता है किसमें किया जाता है? पोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है दोस्तों? तो पीयूष ग्रंथि होती है मस्तिष्क के अंदर स्थित होती है। जो ब्रेन होता है उसके मध्य भाग में स्थित होती है, जो बहुत छोटी होती है पीयूष ग्रंथि, 0.6 सेंटीमीटर से भी छोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मटर के दाने के समान इसको बोला जाता है पीयूष ग्रंथि को। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का में परागण कैसे होता है? जो मक्का में पॉलिनेशन होता है वो किस माध्यम से किया जाता है? तो किया जाता है दोस्तों वायु के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य के लिए 2016 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो दोस्तों किया गया था बॉब डिलन को। किसे किया गया था दोस्तों? बॉब डिलन को प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में किसके द्वारा अधिक बचत की जाती है? पहला है सार्वजनिक क्षेत्र, दूसरा है घरेलू क्षेत्र, तीसरा कॉरपोरेट क्षेत्र, चौथा है निजी क्षेत्र। तो दोस्तों इसका आंसर घरेलू क्षेत्र, जो भारत में घरेलू क्षेत्र के द्वारा सबसे अधिक बचत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किस ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा शुरू किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। जो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की गई थी कौन से गवर्नर जनरल के द्वारा शुरू की गई थी? वो की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। आपसे कई बार एग्जाम पूछा भी जाता है स्थायी बंदोबस्त के पिता के नाम से किसे जाना जाता है? वो जाना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में मुगल पेंटिंग अपने शिखर पर पहुंची थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर। ये तो आप सभी जानते होंगे कि जहांगीर चित्रकला का बहुत बड़ा शौकीन था, इसके काल में चित्रकला चरम पर पहुंच गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटराइट मिट्टी का विकास इनमें से किसका परिणाम होता है? तो दोस्तों इसका आंसर निक्षालन, किसका होता है? निक्षालन का परिणाम होता है। आपसे पता चला लेटराइट मिट्टी का विकास इनमें से किसका परिणाम होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा निक्षालन या लीचिंग का परिणाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्रस्तावना में देख सकते हैं। जो संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्श है उसको हम कहाँ देखते हैं? वो देखते हैं प्रस्तावना में। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें इनको देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर होगा एस राधाकृष्ण। कौन हो जाएंगे दोस्तों? एस राधाकृष्ण हो जाएंगे राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष। दोस्तों आप जानते हो कि राज्यसभा के अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? तो दोस्तों राज्यसभा का अध्यक्ष बनाया जाता है उपराष्ट्रपति को। जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं उनको राज्यसभा का अध्यक्ष बनाया जाता है। तो आप जानते होंगे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्ण भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। इसी कारण से इन्हें दोस्तों जो राष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, ये आपको याद करना है। ये
जो भी व्यक्ति भारत को उपराष्ट्रपति बनता है उनको अपने आप ही राज्यसभा का अध्यक्ष बना दिया जाता है, उनको अपने आप ही वो पद मिल जाता है। इस प्रकार से भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्ण। इस कारण से राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष भी कौन होंगे? एस राधाकृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणितीय और तार्किक कार्य को निष्पादित करने वाला प्रोसेसर क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा ALU। क्या कहलाता है? ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? इसकी फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ALU की फुल फॉर्म होती है। इसका कार्य क्या होता है? कंप्यूटर के अंदर गणित और तार्किक कार्य को निष्पादित करना इसका कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? तो दोस्तों इसका जगह साक्षी मलिक के द्वारा जीता गया था। इसका दोस्तों साक्षी मलिक। दोस्तों 2016 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में 2016 के ब्राजील के रियो डी जेनेरो में दोस्तों ओलंपिक आयोजित किया गया था, जिसके अंतर्गत भारत की तरफ से मात्र दो पदक जीते गए थे, एक रजत पदक और एक कांस्य पदक, जिसमें से साक्षी मलिक जो रेसलर है जिन्होंने कुश्ती में क्या जीता था, कांस्य पदक जीता था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था, पहला सबसे पहले ये मेडल जीता गया था। उसके बाद PV सिंधु जो बैडमिंटन की प्रमुख खिलाड़ी है उनके द्वारा रजत पदक जीता गया था। भारत की तरफ से मात्र दो पदक जीते गए थे जो 2016 में जो ओलंपिक आयोजित हुआ था। दोस्तों कहाँ आयोजित हुआ था? ये हुआ था ब्राजील के रियो डी जेनेरो में। और अब दोस्तों 2020 में कहाँ आयोजित होने वाला है? ये होने वाला है जापान, जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित होने वाला है, ये भी आपको याद करना है। और 2016 में कहाँ होता? ब्राजील में। और इससे पहले 2012 में कहाँ होता दोस्तों? 2012 में होता लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो वैक्सीन किसने विकसित की थी? तो दोस्तों इसका आंसर जोनास साल्क ने पोलियो वैक्सीन विकसित की थी। जोनास साल्क इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेइंग एट माई वे किसकी आत्मकथा है? तो दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, प्लेइंग एट माई वे किसकी आत्मकथा है? तो आपको जरूर याद करना है, आने वाले एग्जाम जरूर पूछा जाएगा। सचिन तेंदुलकर, जो प्लेइंग एट माई वे पुस्तक है वो सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है 14th शिफ्ट का, पाकिस्तान में चीन की सहायता से कौन सा गहरा जल बंदरगाह बनाया जा रहा है? तो दोस्तों बनाया जा रहा है ग्वादर। कौन सा बनाया जा रहा है? ग्वादर बंदरगाह बनाया जा रहा है। तो आपको याद करना है नाम क्या है? ग्वादर। अभी बोल देता हूँ, पाकिस्तान में चीन की सहायता से कौन सा बंदरगाह बनाया जा रहा है? तो दोस्तों बनाया जा रहा है ग्वादर। एक इसकी सहायता से बना रहा है, चीन की सहायता से कहाँ बन रहा है दोस्तों? ये पाकिस्तान में। इस बंदरगाह का नाम क्या है? ग्वादर। आगे चलते हैं 15th शिफ्ट की ओर, 15th शिफ्ट की ओर आगे चलते हैं दोस्तों। अब 15th शिफ्ट का पहला क्वेश्चन, ऐसी स्थिति जहाँ लोग स्पष्ट रूप से कार्य कर रहे होते हैं लेकिन उन सभी को अपनी क्षमता से कम कार्य करने को दिया जाता है, तो दोस्तों क्या कहलाती है? तो दोस्तों कहलाता है अल्प रोजगार। क्या कहलाता है दोस्तों? अल्प रोजगार कहलाता है। दोस्तों आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति में जितना टैलेंट होता है उस व्यक्ति को उसके अनुरूप कार्य नहीं मिल पाता, तो क्या कहलाएगा? अल्प रोजगार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक समझौते को संबोधित करता है जिसमें ऋणदाता भविष्य में भुगतान के वादे के बदले उधारकर्ता को धन माली सेवा प्रदान करता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा साख, क्रेडिट इसका आंसर हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन वहाँ पे देख लीजिए, इनमें से कौन सा एक समझौता को संदर्भित किया जाता है जिसमें ऋणदाता भविष्य में भुगतान के वादे के बदले उधारकर्ता को धन माली सेवाएं प्रदान करता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा साख। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों इसका जो स्पीकर, जो लोकसभा की अध्यक्षता की जाती है किसके द्वारा की जाती है? स्पीकर के द्वारा की जाती है। और वर्तमान में लोकसभा स्पीकर कौन है? तो दोस्तों जगह ओम बिरला है वर्तमान में। तो आपको अच्छी तरह याद करना है ओम बिरला है। दोस्तों इससे पहले सुमित्रा महाजन थी लोकसभा की अध्यक्ष, और अब कौन है? ओम बिरला है, जिनका संबंध है राजस्थान के कोटा से। कहाँ से? राजस्थान के कोटा से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का उद्देशिका का स्रोत क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर अमेरिका संविधान। जो भारतीय संविधान का जो उद्देशिका लिया गया था, जो प्रेम्बल लिया गया था, वो कहाँ से लिया गया था? वो लिया गया था अमेरिका के संविधान से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर देगा मगध। सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन सा था? मगध। जो प्राचीन काल में दोस्तों जो 16 महाजनपद थे जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन सा था? मगध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त कब हुई थी तथा उन्हें कब मारा गया था? तो दोस्तों मारा गया था 1858 में मारा गया था। तो रानी लक्ष्मीबाई को कब मारा गया था? 1858 ईस्वी में रानी लक्ष्मीबाई की युद्ध में लड़ते हुए मौत हो गई थी। दोस्तों 1858 में, जब आपको बताओगे कि 1857 में सिपाही युद्ध स्टार्ट हुआ था, जिसको सिपाही विद्रोह नाम जाना जाता है, जो 1857 में जो क्रांति हुई थी उसको सिपाही विद्रोह कहा जाता है। और यही ये पहला आंदोलन था जिसमें स्वतंत्रता की अलग जगह थी दोस्तों, ये सर्वप्रथम आंदोलन था। और इसमें रानी लक्ष्मीबाई झांसी से लड़ी थी। आपको बताओगे जो रानी लक्ष्मीबाई थी कहाँ से लड़ी थी? झांसी से लड़ी थी। और इन्हें
अंग्रेजों से लड़ती हुई ने अंतिम सांस ली थी 1858 में। तो इसका आंसर दोस्तों 1858 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जो ग्लोब पर दिन रात को विभाजित करती है क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा प्रदीप्ति। क्या कहलाती है दोस्तों? प्रदीप्ति। इसका आंसर हो जाएगा इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन इसका आंसर हो जाएगा। वह प्रक्रिया जो ग्लोब पर दिन रात को विभाजित करती है इल्यूमिनेशन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटलांटिक महासागर का आकार किस प्रकार का होता है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर दोस्तों ए सागर का। किस प्रकार का होता है? एस शेप होती है। जो अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर है, ये महासागर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर महासागर है। सबसे बड़ा महासागर पूछा जाए कौन सा, तो है प्रशांत महासागर। और दूसरा नंबर पे कौन है? अटलांटिक महासागर है। और तीसरे नंबर पे हिंद महासागर। तो दूसरे नंबर पे अटलांटिक महासागर है। इसका आकार पूछा जा रहा है, इसकी शेप किस प्रकार की होती है दोस्तों? इसकी शेप होती है इस प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संतुलित आहार में क्या होता है दोस्तों? तो इसका आंसर दोस्तों सभी विकल्प सही है। जो आपको जितने भी विकल्प दे रखे सभी सही है। एक संतुलित आहार में केवल पोषक तत्व नहीं होते, एक संतुलित आहार में पोषक तत्व भी होता है, पानी भी होता है और चारा भी होता है, सभी इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जानवरों के समूह में से किसमें हृदय केवल डॉक्सीजनेट रक्त को संपादित करता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा मछली। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मछली हो जाएगा। डॉक्सीजनेट रक्त का मतलब होता है दोस्तों अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त इसका आंसर हो जाएगा। तो मतलब डॉक्सीजनेट रक्त को अशुद्ध रक्त बोला जाता है। निम्नलिखित जानवर के समूह में से किसमें हृदय केवल और अशुद्ध रक्त को ही संपादित करता है, स्पंदित करता है? तो इसका आंसर दोस्तों मछली। जबकि स्तनधारी सरीसृप और सांप के जरिए शुद्ध रक्त को स्पंदित किया जाता है, और इसका मछली में जाएगा अशुद्ध रक्त को स्पंदित करता है। इसका आंसर दोस्तों मछली। अगला क्वेश्चन, विटामिन ए किसके लिए जिम्मेदार होते हैं दोस्तों? इसका आंसर दोस्तों रतुंदी। रतुंदी नाइट ब्लाइंडनेस। दोस्तों विटामिन ए की कमी कारण क्या रोग हो जाता है? विटामिन ए की कमी कारण हो जाता है ब्लाइंडनेस हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस। दोस्तों रात को कम दिखने लग जाता है किसके कमी कारण से? विटामिन ए के कमी कारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? वो करता है रैखिक गति के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका आंसर दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ लाइनर मोमेंटम। इसका आंसर हो जाएगा, एक रॉकेट होता है जो प्रिंसिपल ऑफ लाइनर मोमेंटम के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण किसी भी दिए गए स्थान पर प्रकाश को केंद्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है? दोस्तों किया जाता है अवतल दर्पण का। कौन सा दर्पण किया जाता है दोस्तों? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। मैं भी बोल देता हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण किसी भी दिए गए स्थान पर प्रकाश को केंद्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों किया जाता है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रोग्राम में त्रुटियाँ क्या कहलाती है? तो दोस्तों हो जाएगा बग। बग कहलाती है, बग इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चींटी के डंग में किस कारण से तेज दर्द होता है? तो इसका आंसर दोस्तों फार्मिकमल। फार्मिकमल इसका आंसर हो जाएगा। तो आपसे पूछा जाए दोस्तों चींटी के डंग में कौन सा मल पाया जाता है? तो चींटी के डंग में पाया जाता है फार्मिकमल। जब चींटी काट लेती है तो दोस्तों उसके बाद तेज दर्द होता है, किसके कारण होता है? क्योंकि फार्मिकमल को छोड़ती है, चींटी के द्वारा फार्मिकमल छोड़ा जाता है। चींटी के डंग में कौन सा मल पाया जाता है? फार्मिकमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2Na+Cl2 = 2NaCl अभिक्रिया किसका एक उदाहरण है? तो दोस्तों ये अपघटन प्रक्रिया का उदाहरण है, अपघटन प्रतिक्रिया का, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये हो गया। आगे चलते हैं, सहजीवन क्या है ये आपको बताना है। सहजीवन क्या है? तो दोस्तों ऐसी संगति जो दोनों भागीदारों के अस्तित्व के लिए आवश्यक है उसे सहजीवन के नाम से जाना जाता है। वही बोल देता हूँ, सहजीवन क्या है जिसको इंग्लैंड बोला जाता है सिम्बोसिस। व्हाट इज सिम्बोसिस? सिम्बोसिस क्या है? तो दोस्तों ऐसी संगति जो दोनों भागीदारों के लिए अस्तित्व के लिए आवश्यक हो वह सहजीवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल पेंशन योजना से जुड़ने के लिए अधिकतम आयु क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर 40 ईयर। क्या है? 40 ईयर है। और न्यूनतम आयु क्या है? 18 ईयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ल्स गुडियर ने किसका आविष्कार किया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, चार्ल्स गुडियर के द्वारा सच्चारिन का, सेकरिन का आविष्कार किया गया था। सेकरिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? चार्ल्स गुडियर के द्वारा। सेकरिन को आप सभी जानते होंगे, बहुत ही मीठ होती है सेकरिन, चीनी की तरह होती है, चीनी से बहुत ज़्यादा मीठ होती है, सेकरिन बोला जाता है उसको। और इसका आविष्कार किया गया था चार्ल्स गुडियर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक खेलों में शामिल नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा, ऑप्शन है कबड्डी, ऑप्शन पहला है तैराकी, ऑप्शन दूसरा तीरंदाजी, ऑप्शन तीसरा एथलेटिक्स, ऑप्शन फोर्थ कबड्डी। तो दोस्तों इसका आंसर कबड्डी। जो ओलंपिक खेल खेले जाते हैं उसके अंदर से कबड्डी को शामिल नहीं किया जाता। जो ओलंपिक खेल आयोजित किए जाते हैं उसमें कबड्डी को शामिल नहीं किया जाता। उसमें तैराकी शामिल है, स्विमिंग, आर्चरी जिसको तीरंदाजी बोला जाता है, और एथलेटिक्स, तीनों ही शामिल है। तो आपको याद कर लेना है कौन कौन शामिल है कौन सा नहीं है। तो स्विमिंग शामिल है, तीरंदाजी शामिल है, एथलेटिक्स शामिल है, जबकि कबड्डी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा में कैलाश मंदिर किसका एक उदाहरण है? तो दोस्तों चट्टानों से कटे मंदिर। जो एलोरा में कैलाश मंदिर बनाए गए थे वो किस प्रकार के चट्टानों के उदाहरण है दोस्तों? वो है चट्टानों से कटे मंदिर। तो दोस्तों जो एलोरा में कैलाश मंदिर बनाए गए थे वो चट्टानों को काट कर बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणितीय तरंग
तरंगिकाओं के सिद्धांत के विकास में अपनी भूमिकाओं के लिए प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार 2017 किसने जीता? तो दोस्तों जीता था यवेश मेयर ने। किसने जीता था? यवेश मेयर के द्वारा जीता गया था। अभी बोल देता हूँ, गणितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के विकास में अपनी भूमिकाओं के लिए प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार 2017 किसने जीता? तो दोस्तों वो जीता था यवेश मेयर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगभूमि नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों प्रेमचंद। जो रंगभूमि पुस्तक लिखी गई थी किसके द्वारा लिखी गई थी? प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेजर्ट ईगल भारतीय वायुसेना तथा किस वायुसेना के द्विपक्ष किस वायुसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास है? तो इसका आंसर दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा दोस्तों यूएई। जो डेजर्ट ईगल किए जाते हैं कौन कौन से भारतीय वायुसेना के मध्य किए जाते हैं, मतलब जो डेजर्ट ईगल होता है कौन से वायुसेना के मध्य किया जाता है? दोस्तों आपको अच्छी तरह याद कर लेना है, कभी जब भी पूछा जाए डेजर्ट ईगल तो ये हो जाएगा भारतीय वायुसेना और यूएई की वायुसेना के मध्य किया जाता है। यूएई का मतलब होता है यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसकी राजधानी अबू धाबी, उसके मध्य किया जाता है। तो डेजर्ट ईगल से आपको याद करना है। आपसे सेना भी पूछा जा सकता है कौन सी सेना के मध्य किया जाता है, थल सेना, जल सेना, वायुसेना, तो आपको वायुसेना लगा कहना है। और कौन से देश के मध्य किया जाता है? भारत और यूएई के द्वारा किया जाता है, यूनाइटेड अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो शिप का लास्ट क्वेश्चन है प्रति शिप का, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? दोस्तों ये क्वेश्चन देख लो आप, रिपीट हो चुका है। इससे पहले वाली जो 11वीं शिफ्ट कराई थी, 12वीं 11वीं 12वीं शिफ्ट कराई थी, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था और अब वापस रिपीट हो चुका है। तो दोस्तों आने वाले आपके जब आने वाले शिफ्टों में आपके एग्जाम होंगे, आने वाले दिनों में आपके एग्जाम होंगे SSC MTS के, तो उसमें भी ये क्वेश्चन जरूर रिपीट हो सकते हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो जरूर रिपीट होंगे, क्योंकि SSC के द्वारा क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। तीन क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिए और आप PDF खरीद सकते हो, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है, तो PDF भी खरीद सकते हो। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समिति पर हस्ताक्षर कब किए हुए थे? 1960 में। अब चलते हैं अगली शिफ्ट की ओर, 16वीं शिफ्ट की ओर। सोलह शिफ्ट का पहला क्वेश्चन, पूरा पाषाण युग के पुरातात्विक स्थल भीमबेटका रॉक शेल्टर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा इनमें से किसने तैयार की थी? तो दोस्तों की थी फजलुल हक के द्वारा तैयार की गई थी। किसके द्वारा तैयार की गई थी? फजलुल हक के द्वारा तैयार की गई थी। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा इसमें किसने तैयार की थी ये आपको बताना है, तो इसका आंसर दोस्तों फजलुल हक इसका आंसर हो जाएगा, तो आपको याद करना है फजलुल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राज्यों के संघ के रूप में निर्मित किया गया। भारत में भारत को किस रूप में निर्मित किया गया? भारतीय संविधान में वो माना गया राज्यों का संघ माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के रिट का उल्लेख है? तो दोस्तों इसका आंसर 5 प्रकार के रिट का उल्लेख है। आप जानते हैं 5 प्रकार की रिट होती है भारतीय संविधान के अंदर। आपने सुना होगा हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, पर्यवेक्षण, प्रतिच्छेद, निषेधाज्ञा, ये आपने सुने होंगे, ये सभी रिट होती है, 5 प्रकार की रिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड क्या है ये आपको बताना है, नाबार्ड क्या होती है, क्या है नाबार्ड? तो दोस्तों नाबार्ड है कृषि सहायक विशिष्ट बैंक। नाबार्ड की स्थापना क्यों की गई थी? दोस्तों किसानों को लोन उपलब्ध कराने के लिए नाबार्ड की स्थापना की गई थी। और इसका आपसे पूछा जा रहा है नाबार्ड क्या है, तो नाबार्ड क्या है, स्पेशलाइज बैंक टू हेल्प एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर के लिए लोन उपलब्ध कराना इसका मुख्य कार्य है, तो कृषि सहायक विशिष्ट बैंक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, CSO का विस्तारित रूप क्या है? उसका अंदर दोस्तों CSO की फुल फॉर्म पूछा जा रहा है आपसे, फुल फॉर्म पूछी जा रही है आपसे, जिसकी फुल फॉर्म हो जाएगी सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO की फुल फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसका अंदर 7वां। आपसे पूछा जा रहा है क्षेत्रफल के आधार पर, मतलब क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया में भारत का कौन सा स्थान है, वह है 7वां। फर्स्ट नंबर पे कौन सा देश है, वह रूस है। दोस्तों दूसरे नंबर पे कनाडा, मैं लाइन में से लिख देता हूँ एक बार, 7 तक, पहले स्थान पर रूस, दूसरे स्थान पर कनाडा, तीसरे स्थान पर चीन है दोस्तों, चौथा स्थान पर USA संयुक्त राज्य अमेरिका, पाँचवें स्थान पर ब्राज़ील है, छठा स्थान पर ऑस्ट्रेलिया और 7वें स्थान पर भारत है। ये आपको याद करने। और आपसे जनसंख्या के आधार पर पूछा जाए, जनसंख्या के आधार विश्व के विश्व में भारत की रैंकिंग क्या है? तो दोस्तों दूसरी है, जहाँ पर वर्तमान में जनसंख्या कितनी हो गई है भारत की, वो हो गई है 137 करोड़ के आसपास, कितनी हो गई, 137 करोड़ के आसपास हो गई है। और प्रथम स्थान पर चीन है, जिसकी जनसंख्या 143 करोड़ के आसपास है। और ऐसा कहा जा रहा है कि 2030 तक भारत की जनसंख्या चीन से भी आगे बढ़ जाएगी और भारत विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूपियर बेल्ट क्या है?
आपको बताने कोपियर बेल्ट क्या है, तो दोस्तों इसका जो जगह बर्फीला भूमंडलीय पिंड है जो वरुण की परिक्रमा करता है, जो नेपच्यून ग्रह है हमारे सौरमंडल में, जो सबसे अंतिम ग्रह है वरुण ग्रह है, उसके अंतर्गत जो एक बर्फीला भूपंडीय पिंड है, भूमंडलीय पिंड है जो वरुण की परिक्रमा करता है, उसे ही केपियर बेल्ट कहा जाता है, कोपियर बेल्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व तो नहीं है, तो इसका आंसर दोस्तों नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इसका आंसर हो जाएगा, ये एक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं होता, क्योंकि पौधों को बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है इस पोषक तत्व के लिए, ये सूक्ष्म नहीं है, मतलब मार्जर है, लार्जर है मतलब बहुत ज़्यादा मेजर पोषक तत्व है ये पौधों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है, तो दोस्तों इसका आंसर प्रोटीन का संश्लेषण करना, जो कोशिका के अंदर जो राइबोसोम पाया जाता है उसका मुख्य कार्य होता है दोस्तों प्रोटीन को संश्लेषण करना, इसका मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याज का खाद्य भाग कौन सा होता है, तो दोस्तों इसका आंसर गुदेदार पत्ते, जो प्याज को खा जाते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों फ्लेशी लीवर्स होते हैं, गुदेदार पत्ते को हमारे द्वारा खा जाता है, जो प्याज का खाने का योग्य भाग होता है वो क्या होता है दोस्तों गुदेदार पत्ते होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों के कार्य न करने के परिणाम स्वरूप ऑटोमोबाइल इंजन में कार्बनिक पदार्थ का अपूर्ण दहन होता है, जो क्या उत्पन्न करता है दोस्तों, वो करता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। जब गाड़ी को चलाया जाता है, मोटरसाइकिलों वाहनों कारों को चलाया जाता है, तो दोस्तों जब उस जो दहन इंजन होता है उसके द्वारा जब पेट्रोल डीजल का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है तो क्या उत्पन्न होती है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जो वातावरण के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम ज्वलनशील रेशा फाइबर क्या होता है दोस्तों, इसका आंसर दोस्तों कपास, कपास ये इसको सूत भी बोला जाता है, कॉटन ये इसका आंसर होगा, मतलब न्यूनतम ज्वलनशील रेशा, मतलब आपको चार ऑप्शन दे रखे, मतलब न्यूनतम ज्वलनशील रेशा होता है मतलब इसमें सबसे जल्दी आग लग जाती है, ये रेशा कौन सा होता है दोस्तों, कपास होता है, जबकि पॉलिस्टर नायलॉन टेरिलिन में न्यूनतम ज्वलनशील रेशा नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी तो किसका उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है, जो गर्भ के अंतर्गत शिशु पल रहा है उसकी जानकारी किसके द्वारा दी जाती है, वो दी जाती है अल्ट्रासाउंड के द्वारा, और अल्ट्रासाउंड में कौन से तरंगों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, अल्ट्रासोनिक तरंगों का प्रयोग किया जाता है, जिसकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान स्रोत होता है, इसका आंसर दोस्तों जल, जल इसका आंसर हो जाएगा, आपको चार ऑप्शन बताना है किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान स्रोत होता है, कांच तांबा शीशा जल, तो इसमें हो जाएगा जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक तापमान को नियंत्रित करने के संबंध में हाल ही में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में तापमान में वृद्धि को किससे नीचे रखने का निर्णय लिया गया है, तो 200 लिया गया है 2100 डिग्री तक, वर्ष 2100 तक 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे, तभी बोल देता हूँ, वैश्विक तापमान को नियंत्रित करने के लिए हाल ही में आयोजित संयुक्त राष्ट्र परिवर्तन सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के तापमान में वृद्धि को ब्लैंक में बताना किससे नीचे रखने का निर्णय लिया गया है, तो 200 लिया गया 2100, वर्ष 2100 तक 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने का निर्णय लिया गया है दोस्तों। जो 21वां सेंचुरी आएगी उसके अंदर 21वां सेंचुरी तक आपको निर्णय लिया गया कि 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक तापमान वृद्धि को रोका जाएगा, तो मतलब 2 डिग्री सेल्सियस कम किया जाएगा तापमान को 2100 वर्ष तक, जो 21वीं शताब्दी है उस तक आपकी जो निर्णय लिया गया कि 2 डिग्री सेल्सियस को कम किया जाएगा, जो आपका तापमान वृद्धि हो रही है उसको 2 डिग्री सेल्सियस तक घटाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम को यूजर और कंप्यूटर के बीच क्या कहा जाता है दोस्तों, वो कहा जाता है इंटरफेस, ऑपरेटिंग सिस्टम को यूजर और कंप्यूटर के बीच इंटरफेस कहा जाता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों, कंप्यूटर जो व्यक्ति कार्य कर रहा होता है उसको बीच में मध्यस्थता करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया होता है, तो दोस्तों होता है पुष्कर मेला भारत के राजस्थान के राज्य में, तो इसका दोस्तों राजस्थान में आयोजित किया जाता है, राजस्थान के अजमेर के निकट पुष्कर स्थित है दोस्तों, वहाँ पर ही पुष्कर मेला भरता है, और सबसे ज़्यादा किस लिए प्रसिद्ध होता है दोस्तों, यहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर है, एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है, इस कारण से पुष्कर मेला बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, पुष्कर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, यहाँ पर ही पुष्कर मेला भरा जाता है। और इसके साथ आपको याद रखना है कि दोस्तों यहाँ पर ऊँटों का सर्वाधिक व्यापार होता है पुष्कर मेले के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेट इंजन की खोज किसने की थी, तो दोस्तों इसका आंसर फ्रैंक विटले के द्वारा जेट इंजन की खोज की गई थी, इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रैंक विटले, इसका आंसर हो जाएगा आपसे पूछा जाए जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था, वो किया था फ्रैंक विटले के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन के लिए तियांग तोग फर्स्ट उपग्रह प्रक्षेपित किया है, तो दोस्तों इसका आंसर चीन, इसका आंसर हो जाएगा आपसे पूछा जाए तियांग को फर्स्ट उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया, वो किया गया चीन के द्वारा, वो कौन सी कैटेगरी के लिए किया गया, किसके लिए किया गया, मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन के वृद्धि करने के लिए, मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन में सुधार करने के लिए यह लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ के द्वारा। एडम स्मिथ इसका आंसर हो जाएगा, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक लिखी गई है एडम स्मिथ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2018 का एशियाई खेल किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों किया जाएगा इंडोनेशिया में। तो दोस्तों इंडोनेशिया में भी हाल ही में एशियाई खेल आयोजित हुए थे, कहाँ हुए थे? इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष किस रूप में मनाया जाता है? दोस्तों मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है भारतीय सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 63वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में निम्नलिखित में से किसे 47वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों किया गया मनोज कुमार को। किसको किया गया? मनोज कुमार को। बॉलीवुड अभिनेता है मनोज कुमार, आप जानते होंगे, जिन्हें हाल ही में 47वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आज के शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व का प्रथम नकदी रहित अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों जगह स्वीडन। दोस्तों प्रथम देश बन गया स्वीडन, जिसने सभी विश्व का प्रथम देश बन गया जो नकदी रहित अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया, जहाँ पर सभी ट्रांजेक्शन है ना डिजिटल किए जाते हैं, वहाँ पर कैश का लेन देन नहीं होता, सारे ट्रांजेक्शन डिजिटल होते हैं। इस प्रकार से प्रथम नकदी रहित देश कौन सा बन गया है? वो बन गया स्वीडन। तो दोस्तों हमने 4 शिफ्ट कवर कर लिए है, और दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा उस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस जरूर कर देना। दोस्तों जिन्होंने भी SSC MTET का फॉर्म भरा था उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना आपके फ्रेंड के साथ, आपके जिन भी भाई बंधु ने यह फॉर्म भरा था उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करना, व्हाट्सअप फेसबुक जहाँ भी आपके ग्रुप है सभी ग्रुप में आप इस वीडियो को शेयर कर देना, जिससे सभी को इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके, सभी व्यक्ति इस जो भी कैंडिडेट ने फॉर्म भरा था वो इस वीडियो का फायदा उठा सके। दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर पेपर में से सारे बहुत से क्वेश्चन आपके मिलने की संभावना है, तो दोस्तों एक बार जरूर याद कर लीजिए, जिससे आपको इसका पैटर्न भी पता चल सकेगा, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको क्वेश्चन भी याद होंगे। तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जल्दी हमारे द्वारा पूरी सीरीज शुरू हमने सीरीज शुरू करी है और ये हम जल्दी जल्दी ये सीरीज को पूरा कर देंगे। तो दोस्तों इस चैनल पर बने रहिए, आपको सारे वीडियो उपलब्ध कराए जाएंगे। आपने 15 शिफ्ट तक पूरे कर लिए हैं, 16 शिफ्ट तक हमने पूरे कर लिए हैं, जल्दी इसमें 82 शिफ्ट है, पूरी जल्दी जल्दी कराई जाएगी आपको हमारे द्वारा। तो दोस्तों इस चैनल पर बने रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, पूरे ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बीच में कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों इस वीडियो देने आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।